अच्छा भैया, आज ना मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। आप जानते हैं कि टीचर और स्टूडेंट का एक रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। इससे पवित्र शायद मुझे नहीं लगता रिश्ते की यदि हम बात करें तो। और मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात है एक स्टूडेंट की कहानी से मैं सुना रहा हूँ। ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट हैं, कोरोना से पहले की बात है। एक बच्चा मेरे पास पढ़ने आया मुखर्जी नगर खेड़ी कैंपस में, उसने एडमिशन लिया और वो पढ़ा। उसने बहुत तैयारी की, मेहनत भी की और प्रॉपर तरीके से वो मेरे पास आता था। मैं उसको डेली गाइड करता था, लगभग ये सिलसिला चलता रहा। अचानक जैसे ही कोरोना आया, क्लासेस बंद हो गई मुखर्जी नगर में। और जैसे ही क्लासेस बंद हुई उसके बाद फिर उस बच्चे ने मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया। उसने फिर मेरा ऑनलाइन बैच खरीदा। ऑनलाइन बैच खरीदने के बाद भी वो बच्चा मेरे साथ फ़ोन पर कॉन्टैक्ट में रहा। सर कैसे तैयारी करूँ, सर अब मुझे कैसे पढ़ना है। मैं उसे प्रॉपर गाइड करता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद वो बच्चा दोबारा, मतलब ऑनलाइन कोचिंग की जैसी उसकी ख़त्म हुई, फिर उस बच्चे ने मेरा प्रैक्टिस बैच खरीदा। प्रैक्टिस बैच खरीदने के बाद भी वो बच्चा लगातार मुझसे डाउट क्लियर, वो मुझे व्हाट्सएप करता था और मैं रात के 11-11 बजे उसके डाउट क्लियर कर रहा हूँ। हर चीज़ का मैं प्रूफ आपको दूंगा। अब आप कहेंगे सर मुद्दा क्या है, आप ये कहानी तो सुना रहे हो, और थोड़ा सा पेशेंस रखना और उस कहानी को अभी सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको इसको सुनने में। अब हुआ क्या कि मैंने डाउट भी बताए, फाइनली वो बच्चा सेलेक्ट भी हो गया और उसका रैंक आया ऑल ओवर इंडिया रैंक 55 और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो लड़का बना। एक एक चीज के प्रूफ मैं आपको दूंगा। अब फाइनली वो बच्चा फिर मेरे पास आया, उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने उसे दिल्ली बुलाया, दिल्ली आया, उसने मेरे साथ इंटरव्यू भी किया और वीडियो में उसने साफ साफ बोला। मैंने उससे जब पूछा और बेटा कैसे तैयारी, उसने साफ साफ बताया सर मैं आपसे पढ़ा। उसने पुरानी सारी बातें शेयर की, मैं इंग्लिश नीतू मैडम से पढ़ा एक एक चीज़। और स्पेशली वो मेरे घर आया और मैंने अपने घर के स्टूडियो से उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की। फाइनली वो चला गया और जाने के बाद जैसे कुछ दिन गुजरे, लगभग उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के 10 दिन बाद या 12 दिन के बाद, फिर उस लड़के ने उस आजकल ना डिजिटल इंडिया चल रहा है, आजकल क्या होता है कि वो गूगल फॉर्म भरवा लेते हैं कि भाई जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे अपने मोबाइल नंबर लिख दो। ये बड़ा बुरा हाल चल रहा है। वो बच्चा पढ़ा कहीं और से होता है और वो अपना मोबाइल नंबर कहीं और लिख देता है। अब हुआ क्या कि उस बच्चे को कॉल आता है किसी दूसरे कोचिंग से कि भाई आप आइए और हमसे जरा मिलिए। हो सकता है बच्चा लालच में दूसरी जगह चला जाता है। अब वो बच्चा जब दूसरी जगह जाता है तो वहां पे उसका इंटरव्यू कोई और टीचर ले रहा होता है। पढ़ा वो मुझसे, इंटरव्यू अब वो कहीं और दे रहा है। और उस इंटरव्यू में जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है वो साफ साफ ये बोलता है कि मैं उस टीचर से पढ़ाऊँ। मतलब वो स्टूडेंट मुझे भूल जाता है उस समय कि मैं पुष्पेन सर से पढ़ाऊँ, मैं केडी कैंपस से पढ़ाऊँ। उसको सिर्फ ये बुलवाया जाता है कि जी मैं फलाना ढिकाना वहाँ से पढ़ा, वो मेरा नाम नहीं लेता है। अब देखो मैं एक एक चीज़ करके आपको क्लियर कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगा कि आजकल मार्केट में चल क्या रहा है। और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के एक रिश्ते की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं सिर्फ ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप जरा मेरी बात को सुनेंगे। जैसे ना आप देखो ये लड़का है और ये लड़के की ना चैट है, ये पूरा मेरे मोबाइल पूरा भरा पड़ा है इस लड़के। और ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे मेरे मोबाइल में जो पढ़े मुझसे और इंटरव्यू कहीं और देते, नाम किसी और का लेते। ये बड़ा मार्केट में चल रहा है आजकल। आप देखो इस लड़के ने, सर मैंने डेमो देखा था बट उसमें क्वेश्चन वही है जो आपने नोट्स में कराए हुए हैं, आज बैच में डिफरेंट कराओगे। ये बात वो कि जब वो बच्चा मेरा बैच प्रैक्टिस बैच खरीद रहा है उस समय मुझसे पूछ रहा है। मैंने बोला कि बेटा प्रैक्टिस बैच में अलग क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं अभी डेमो तो दिया भी नहीं है। ओके सर आप देखेंगे, सर क्लास नहीं है क्या, ये बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर ऑनलाइन क्लास आज लोगे या नहीं लोगे। अब आगे देखते रहना अगली चैट में, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, शाम के 6 बजे का मैसेज है ये, सर ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, सर मेरा डाउट क्लियर कर दो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर हो सर 50,000। मैंने इसका डाउट सॉल्व किया। उसके बाद सर सर प्रैक्टिस बैच के बारे में बात करनी थी जल्दी। मैंने बोला बेटा जल्दी खरीद लो, मतलब ये बच्चा यहाँ साफ साफ मेरे प्रैक्टिस बैच की खरीदने की बात कर रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये बच्चा ऑफलाइन मुझसे पढ़ा, ऑनलाइन मुझसे पढ़ा, प्रैक्टिस बैच इसने मुझसे लिया, डाउट मुझसे क्लियर किया। मैं एक एक बात को प्रूफ के साथ आपसे बोल रहा हूँ, सब कुछ हो गया। मैंने ये भी बोल दिया जल्दी खरीद लो इस बैच को। उसके बाद इस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, सर अब ये रहा सर प्रैक्टिस बैच की क्लास स्टार्ट कर दो। हुआ क्या कि मैंने कुछ दिन के लिए बोला कि प्रैक्टिस बैच की क्लास हम 10 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, तब इसका मैसेज पड़ता।
सर मैं मेरी रैंक 55 आई है, थैंक यू सो मच सर, आप कब फ्री है मैं आपको कॉल करूंगा, अपना रोल नंबर दिया, इस लड़के का नाम हिमांशु। पूरी देखो सारी चीजें इसने शेयर की, मेरे साथ इसने शेयर कर रखी। उसके बाद आप देखेंगे सर डाउट कब लोगे प्रैक्टिस बैच में, ये सारी पुरानी चैट है, आप इनको पढ़ के देखोगे आपको बड़ा मजा आएगा। अब मेरे बच्चों ये सारी बातें जब हो गई, एक एक चीज ये मैंने उसके डाउट क्लियर कर रखे हैं आप देख सकते हैं, और उसके बाद मैंने उसको दिल्ली बुलाया, सही है मैंने उसको दिल्ली इन्वाइट किया, वो मेरे पास आया, मुझसे मिला दिल्ली में आने के बाद, एक एक चीज सब हुई, सारी चीजें हुई। मैंने उसको लाइव लोकेशन दिया कि मैं उसको मिलूंगा कहाँ, दिल्ली में, मुजफ्फरनगर से बच्चा मेरे पास आया, लाइव लोकेशन दिया, सारी की सारी बातें हमारी चैट पर हुई, एक एक चीज ठीक है। उसके बाद ये बच्चा आया भी और मैंने साफ साफ लिखा गाड़ी से मैं अपने घर लेकर के चलूंगा, मैंने इसको बोल रखा है इस मैसेज में कि गाड़ी से लेकर के मैं आपको अपने घर लेकर के चलूंगा, एक एक चीज आप देख सकते हैं, सही है। आगे उसके बाद ये सारा सिलसिला चलता रहा, आप देख सकते हैं। इन चीजों को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि ये लड़का मुझसे ही पढ़ा है, इससे ज्यादा तो प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बच्चा आपसे भी पढ़ा है और कहीं और भी पढ़ा है, तो मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं भाई, इतने प्रूफ दे करके आप भी समझदार है, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इतना पढ़ने के बाद मेरे बच्चों आप देखिए ये ऑफलाइन क्लासेस के कुछ फोटो है, ये वही लड़का है जो मुझसे पढ़ा है, समझ में आ गया। मैं इसी लड़के की कहानी आपको सुना रहा हूँ, ऑफलाइन की भी आपको मैंने पिक दिखा दी है। अब सारी चीजें ये आप वो देख सकते हैं कि ये लड़का रात में 11-11 बजे मुझे कॉल करता है, ये आप देखो कॉल डिटेल देख सकते हैं, है ना। और मार्केट में क्या चल रहा है ये मैं अब आपको बताऊंगा। अब ये सारी कहानी सुनाने के बाद अब मैं आपको इसका ट्विस्ट बता रहा हूँ, होता क्या है कि लड़का पढ़ता कहीं और से है। अब यही लड़का एक दूसरे कोचिंग सेंटर पर जाने के बाद बैक टू बैक इंटरव्यू देता है, और टीचर इसके इंटरव्यू को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो अब आप आगामी वीडियोस में आप देखेंगे, है ना। तो मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा कि अब इस बच्चे का किस तरीके से फायदा उठाया गया, कैसे लोगों ने अपने नाम के साथ इस बच्चे को जोड़ा। मुखर्जी नगर मैंने पढ़ाया, ऑनलाइन मैंने पढ़ाया, प्रैक्टिस बैच मैंने इसको दिया, और डाउट मैंने क्लियर किए, दिल्ली आया मैं इसको लेकर के गया, एक एक चीज प्रॉपर गाइड मैंने किया, और फाइनली इसका फायदा किसने उठाया, इस बच्चे की वाहवाही किसने लूटी, किसी दूसरे टीचर ने। मेरे बच्चों मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर उस बच्चे ने किस डेट को मुझे इंटरव्यू दिया, इस बच्चे का आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इसी वो डेट भी देख लेना आप लोग। हेलो, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है, वो बाकी तो सर ने आपने बता ही दिया, सर ने मैं बताता हूं आपको जैसे कि मैंने तैयारी कैसे की। मैंने फर्स्टली ऑफलाइन बैच लिया था यहीं से मुखर्जी नगर से, मुखर्जी नगर में रह के ही मैंने मतलब कंप्लीट तैयारी किया, पर वो है कि लास्ट में जैसे एक दो मंथ का कोर्स रह गया था मेरा, तो कोविड स्टार्ट हो गया था, तो मैं वापस चला गया था जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो फिर वहाँ पे जाके काफ़ी ब्रेक हो गया कोविड की वजह से, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके ऑनलाइन बैच लिया था सर का मैथ्स के लिए और नीतू मैम का इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नीतू मैम के कंटेंट इनफ है, मोर देन इनफ है, उसके अलावा आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैम के नोट्स पढ़िए, मैम की बुक के बारे में तो तारीफ करना ऐसे मतलब मेरे मुँह से तो क्या ही अच्छा लगेगा। मैम की बुक्स तो अल्टीमेट है इंग्लिश के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। सर का मैथ्स मैंने सिर्फ सर के मैथ्स को ही पढ़ाया, नोट्स किए है ऑलमोस्ट 10 times किए है, सर बोलते भी 10 times ही है कि मेरे नोट्स 10 बार पढ़ लो सफिशियंट है, वो सच में सफिशियंट ही है। सर के नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सभी लगाते हैं, मॉक्स वगैरह हो गए, बस यही प्रिपरेशन थी। GS के लिए मैंने भी क्लास के नोट्स को ही फॉलो किया था, और रीजनिंग के लिए भी पूरी टीम ही केडी कैंपस की पूरी टीम बेस्ट है, मेरे बैच में जितने भी टीचर ने पढ़ाया सबने बेस्ट पढ़ाया, थैंक यू सर। अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं कि वही बच्चा कुछ दिन के बाद दूसरे टीचर के पास इंटरव्यू कब दे रहा है, वो डेट भी देख सकते हैं आप, है ना। CGL में मैं आपका मैथ्स का डर था कोई? जी सर, मतलब इतना नहीं था पर मैं लगभग एवरेज सही था, ऐसा कोई खास नहीं, पर हाँ डर तो था मैथ्स का डर था। तो आपने अपना मैथ्स कैसे प्रिपेयर किया और कैसे तैयारी करी मैथ्स की? मैथ्स तो सर बस मैंने बैच ही लिया था बस, और तो कुछ नहीं करा, और प्रीवियस ईयर बुक लगाई थी सिर्फ 1 time ही लगाई थी मैंने, उसके बाद सिर्फ मॉक लगाई या फिर अपने नोट्स को जो बनाए थे मैंने क्वेश्चन उनका रिवाइज किया। अच्छा, नोट्स आपने पूरे तैयार करे थे एक सवाल का एक कांसेप्ट का? और क्वेश्चन मुझे होता ही नहीं था, मतलब मैं ऐसा देखता था वीडियो, जैसे आज जो आपने आज मतलब आज डाली हूँ मैं कल देखता था, लाइव नहीं देखते थे आप कभी? बहुत सही, और आप स्पीड 2x में देखते थे 1.5x में? मैं नॉर्मली देखता था, मैं जैसे क्वेश्चन आता था पहले मैं खुद सॉल्व करता था, अगर मुझ पे नहीं हुआ तो फिर मैं आपका सॉल्यूशन देखता था।
जीरो टू हीरो बैच आपने पूरा पढ़ा था, अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक और वीडियो कि कैसे एक बच्चे का यूज करके टीचर तीन तीन चार चार शॉर्ट क्लिप्स बना रहे हैं, एक बच्चे से तीन तीन चार चार क्लिप। टीचर साफ साफ बोल रहा है कि ये देखो अब ये कंटेंट बनाएगा ये बच्चा, बहुत सारी बातें वो कर रहा है, कैसे पढ़ना है, कैसे लाइब्रेरी पढ़ना, मतलब वो पढ़ा किसी और से, पढ़ा हमसे, और भाई इसका फायदा कौन उठा रहा है, देख सकते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं। हेलो भाई, ये बहुत कातिल लड़के हैं, इनका नाम है हिमांशु शर्मा और इनकी सीजन 2022 में ऑल इंडिया 55 रैंक आई है और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। तो वीडियो में टीचर का चेहरा ब्लर करना का रीजन सिर्फ यही है कि मैं यहाँ पे किसी टीचर की ना तो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना मैं बुराई कर रहा हूँ, मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर टीचर के चेहरे को ब्लर किया है। और दूसरा, इस वीडियो को एंड करते समय इस वीडियो का जो एक मकसद था वो सिर्फ मकसद मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो एक पवित्र रिश्ता होता है। न जाने ऐसे कितने टीचर होते हैं जो पूरी जी जान से पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब पढ़ने के बाद जब बच्चे का सिलेक्शन होता है और जब वही बच्चा किसी दूसरी जगह इंटरव्यू देता है और किसी दूसरे टीचर का नाम वो लेता है ना, समझ में आया, तो बहुत फील होता है, फिर टीचर को भी गंदा लगता है जिससे वो पढ़ा, तो हम भी इंसान हैं, हमसे कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है और वो इंटरव्यू में किसी और मास्टर का नाम ले दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। और आजकल ऐसा चल रहा है, आप मार्केट में देख सकते हैं और मैं आपको ना जाने ऐसे कितने प्रूफ दे सकता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको एक ट्रेलर दिया है, मैं पिछले साल के टॉप 100 में से टॉप 10 रैंकर्स ऐसे कितने में बच्चे आपको बता दूंगा जो मुझसे पढ़े और उन्होंने इंटरव्यू कहीं और जाकर के दिया और नाम भी उन्हीं टीचरों का लिया। ये चीजें कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती है, क्योंकि हम भी टीचर हैं और आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेहनत हम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं और ये मुद्दा कहीं ना कहीं मेरा नहीं है, ये ना जाने ऐसे कितने टीचरों के साथ ऐसा फिलहाल हो रहा है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। बाकी इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कोई कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।